ये दस देवां कि अज मन बहुत ज़्यादा दुखी है मेरा, बई असी सच्ची मुची इस समाज का हिस्सा हाँ जिते हर चीज़ नूं नैगेटिव लैके ते गल कीती जांदी है और हरेक चीज़ नूं तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता, और ये क्यों हो रहा ये तो मैनूं नहीं पता। किसी चैनल की कोई इदां दी जिम्मेवारी नहीं रही कि वह सही चीज़ नूं पेश करे। मैं असी अज फैमिली दे नाल आउणा सीगा, असी चले हाँ अपना जलंधर तो, ते जलंधर तो चले तो असी रस्ते जाते हैं मतलब उत्थे एक बैंक दे कोल रुकना सीगा, ते असी रुके हैं ते मैं उन्होंने मुंडे नूं कहा, मैं क्या अंदर कोई फॉर्म जिहा लिआउणा सीगा, ते वह फॉर्म लैन चला गया, तो मैं गड्डी बंद कर ली तो वो बच्चे कहन लगे कि तुसी गड्डी बंद कर ली, गर्मी बहुत आ बाहर। तो मैं वैसे ही जनरली कहना उन्होंने, मैं क्या बाहर वेख्या तुसीं की माहौल चल रहा, तो वह कहिंदे कि हाँ बाबे ने चंगा नेरी लिआंदी है लोगों की, लोगों ने भी बहुत मतलब आत्मचाई हुई सी है ना, तो इदां ही असीं हसदे खेडदे हाँ वो वीडियो। मैं क्या हाँ ये तो है भी चंगी भसूड़ी पाई बाबे नानक ने, है ना, वो इदा की गल की और असी टिकटॉक दे पाती और मन च कोई चित नहीं, कोई चेता नहीं, कोई ध्यान नहीं। जनरली जिदा असी बाकी वीडियो पाने उदा वीडियो पाई, अद्धे पौने घंटे घंटे बाद मैं वो चैक की, मैं क्या वेखा किन्ने लोगों ने देख ली, है ना, तो मैं तो पॉजिटिव वे हसद हसद मैं क्या वेखी किन्ने लोगों ने देख ली, तो वो थले दो चार बंद ने कमेंट किए हुए, मैं दो चार ही कमेंट पढ़े मैं डिलीट करती। मैं क्या लोग कई बार धर्म वाले पास चीज़ लै जाते हैं, हालांकि किसी नूं ये नहीं पता कि कोई इस एक मतलब परमात्मा कि मानता आ या कुछ कुछ नहीं लेना देना किसी ने इन चीज़ों को, बस लोगों अपनी शेयर चाहिए ने, शेयरिंग चाहिए आ यूट्यूब या अपने चैनल्स से या फिर लाइक लाइकिंग चाहिए आ। चलो मैं वो डिलीट करती, मैं मोहाली पहुँचा, मैं फोन आने शुरू हो गए, तुम यह जहाँ कहता दो चैनल्स, एक लिविंग इंडिया, एक एक मैं वह नाम नहीं 1818 करके शायद कोई चैनल है, उन्होंने पूरा बेअदबी की है। एक किता पहली गल तो मैं ये थानू दस देव वीर कि मैं सिख फैमिली जमया, सिख फैमिली के रूल सिद्धांत मैं फॉलो करदा और मेरी अगली पीढ़ी भी उन्होंने ही फॉलो करती है। मैं अपने बच्चों सिख सरदार इस करके बना रहा, सिख तो चलो बहुत व्डा नाम है, सिखी बहुत व्डा नाम है, वो तो फुल स्वरूप हो गए तो फिर, पर उन्होंने मैं केस शुरुआत इतों की, उन्होंने मैं केस रखवाए, उन्होंने अपने गुरुआ बारे दसदा, ठीक है, उन्होंने जिन्नी क मैनू पता हिस्टरी उन्नी क मैं हिस्टरी दसन की कोशिश करदा, ठीक है, जिन्नी क मैं अपने मापियां तो सुनी जां जिन्ना क मैं पढ़िया। गुरु नानक पातशाह मेरे लिए मेरे आइडल ने, मेरे वो गुरु ने, मेरे पीर ने, मेरे पैगंबर ने, उन्होंने नाम तो मेरा दिन शुरू हुंदा, उन्होंने नाम तो मेरा दिन खत्म हुंदा। और ये चीज़ मैं सारे इंटरव्यू दे विच हुण कह रहा, मैं जिंदगी कभी इस चीज़ को मार्केट नहीं किया, कभी चीज़ को दस्या नहीं कि जो मैं कितने उदास हूँ, जो मैं कितने मैनू लगता कि मेरी जिंदगी दे विच कुछ चंगा नहीं हो रहा, तो मैं गुरु रामदास के घर जलंधरों अपने घर तो चल के गुरु रामदास महाराज के दरबार साहब अमृतसर मैं पैदल चल के दो बारी जाने का मैंने मौका मिले, महाराज ने दिता तो मैं गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई वड्याई आ, मेरी आस्था मेरी वो श्रद्धा है ना, और मैं जो कुछ मंगया मैंने मिलया भी उतों, मैं जो कुछ भी अज तक उस घर चो मंगया मैंने मिलया। मैंने एक गल दसो तो ही बंदा अपने प्यो बारे अपने उस गुरु पीर बारे कि बोल सकता है, और चैनल वाले तो मैं हैरान हाँ कि तुम एटलीस्ट मैं पूछो तो सही यार, मैं फोन तो कर लो भाजी तुम आह गल करी है किस इंटेंशन करी है, और जे मेरी इंटेंशन गलत रही होगी उस चीज़ के तो ये चीज़ गुरु नानक पातशाह ही फैसला करे, मेरे कल नहीं पूरी फैमिली नाल। मैं अज लाइव हो के दुखी हिरदे नाल गल कर कह रहा कि ये बहुत अज मतलब हर्ट किया है ये दो तीन चैनल्स वाले ने, और मतलब जिस धर्म के मैं जमया पलिया जिस धर्म जेड़े तेरे धर्म मेरी जिंदगी है वो धर्म तो मैं दूर करने की कोशिश की इन्होंने मतलब लोगों की नज़रों के विरोधता दिखाती कि मैं विरोधता करदा, मेरी लाइफ ही मतलब अपने लोगों के लिए है, समाज के लिए मैं जिन्ना कुछ मेरे तो हो सकता मैं करदा। मैं अपने गाणियां दे विच उस टाइम दलेरी करके गाया जदों ये पूरी हवा चलती सी पंजाब दे विच, जिन्हां पुत्रां ने अपने ही मापे घरों कढ़े जदों हो जाणा उन्हां भी सियाणे पता लगू चंद सिक्कियां लई जिहड़े लोकी वेचण समैकां जदों पीण लगे अपने न्याणे पता लगू। मैनूं इस चीज़ का डर नहीं सीगा कि मैनूं कोई धमकाऊगा या मैनूं कोई आ के मेरे ते परचा कर दूगा, है ना, क्योंकि मैनूं पता सी मैं जो कह रहा मैं सच कह रहा,
फिर उस तो बाद हक की कमाई नाल पैंदा नहीं, स्कूटर च तेल सजना होइए राजनेता तो सवेरे ही खरीद लईए रेल सजना। मैं तो कभी डरिया ही नहीं, मैं कभी झुक के गाया ही नहीं, मैं जो गाया मैनू जो लगा कि मेरे आले दुआले हो रहा मैं उही गाया। अज एस जी पी सी मेरे लिए बहुत सत्कार योग आ, मेरे लिए सत्कारित आ, क्योंकि वो जगह वो जड़ी स्थान आ वो मेरे लिए मेरा घर आ, मेरा बहुत सत्कार योग मेरे लिए वो जगह आ। वो जो भी फैसला करनगे मैनू मंजूर आ, पर मैं सिर्फ उन्होंने ये रिक्वेस्ट करना चाहना कि तुसी एक बार वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो दे विच जस्ट एक मतलब असी फैमिली फन जिदा मजाक हुंदा कि बाबे ने चंगी ने रही लैंदी इस वारी लोकां दी, है ना, उस वे नाल उस मूड नाल असी गल कर रहे हैं। यार थोड़ा ही गुरु है, थोड़ा ही गुरु बाबा नानक, थोड़ा कल्यां दा तां नहीं, मेरा भी उन्ना ही है, और थानू की पता थोड़े तो ज़्यादा ही मैं गुरु नानक पातशाह नूं मानदा होवां। सो मेरी रिक्वेस्ट है यार थानू सारयां नूं कि थोड़ा जिहा देख के और अगले नूं समझ के मेरे गाणियां तों मेरा किरदार नज़र आउंदा, ठीक है, वो थानू चंगे लगते माड़े लगते मैनू नहीं पता, तुसी इन्नी मुहब्बत इन्ना प्यार दिता। मैं अपने समाज लिए लड़दा लड़दा कई बार लोगों तो आप अपशब्द सुन लैना कि भी कोई कोई मेरी मेरे परिवार चो चाहे कोई मेरा भरा हो चाहे कोई आर्टिस्ट हो, क्योंकि आर्टिस्ट भी साड़ी फैमिली है, या कोई होर बंदा हो, कई बार मैनू विचारधारा नहीं चंगी लगती, मैं वो पेश कर दाँगा नहीं यार इनू ए नहीं करना चाहिए। मैं तो कई बार लड़दा समाज वास्ते लोगों नाल, तो तुम मैनू ही समाज के खिलाफ करी जाने हो, है ना, मैनू अपने धर्म के खिलाफ करी जाने हो। सो मैं बहुत सारिया चीज़ा यहोजियां हुण तक एज एन आर्टिस्ट करन दी कोशिश की आ कि जिहड़ी समाज नूं चंगा मैसेज देवे, जिहड़ी समाज नूं चंगे पासे लैके जावे, पर मैनू लगता नहीं गा कि वर्थ करदी है थोड़े वास्ते। थोड़े वास्ते दो मिनट च तुसीं दो लाइनां च मेरा किरदार, मेरी सोच, मेरी समझ सारी तुसीं डिसाइड कर ली, और वो चैनल जिहड़े दो ने उन्हां नूं ते मेरी लानत है हज़ार बार, मतलब दोनों हत्थां नाल ही बार बार मैं कह रहा कि तुसीं तुहानूं शर्म हया होनी चाहीदी आ। तुसीं हुण मेरा तो गालां कढ़न नूं दिल करदा है, पर मेरा वो करैक्टर नहीं है कि मैं किसी नूं माड़ा चंगा कहां, पर अज मैं बहुत दुखी होकर गल्लां कर रहा कि वो तरीका थोड़ा यार थोड़ा तुसीं शर्म हया बिल्कुल ही उतार ली, ठीक है ना, असी किहड़ी कौम आ, असी किस कौम नूं रिप्रजेंट करते हैं, तुसीं माड़ा मोटा तो सच दे नेड़े रहो यार, है ना, और लोगों तो ही फुसला लें पिछे ला लें, और साढ़े लोग तो कई बार बिना बिना इस गल की मतलब पुछ पड़ताल किए कि गल हुई की है तो कमेंटिंग करनी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। सो तुसी जिम्मेवार हो, तुसी अपनी कुछ तो जिम्मेवारी तय कर लो अपनी, थोड़ा कोई रिस्पोंसीबिलिटी हैगी है कि नहीं हैगी, मन लिया चलो मैं दो लाइन पा दी सी, मैं पूछ लेंगे कि भाजी तुम किस इंटेंशन नाल पाइया, ठीक है, और ईवन जो मैं लग्या कि लोग चार पांच कमेंट मैं पढ़े ने, मैंने लग्या कि यार लोग गलत पासे में लैके जा रहे, मैं डिलीट करती, है ना। सो ये ये तो नहीं साबित कितने भी होंगे कि भी हाँ मैं अपने गुरु दे अपने पीर दे, जिस गुरु का 24 घंटे मेरे नाम घर नाम लिया जाता, जिस गुरु में मैं 24 घंटे अपने मन च रखदा, चल दफा कर जिहड़े तैनू नहीं हो मनदे, सिर प्रीत दा ते तेरे अगे झुकिया पिया, हले आ 10 दिन पहला मेरा गाना आया, उस तो पहला रब वर्सस इंसान मैं गाना किया सीगा, ओ चलो तुसी सारयां ने बहुत प्यार दिता। सो ये गल्लां करन वालियां नहीं, चंगी गल नहीं आ, बाकी थोड़ी इच्छा है तुसी जिद्दां प्रजेंट करना करी जाओ, पर मेरी रिक्वेस्ट थानू यही आ कि भई तुसी थोड़ी जी रिस्पोंसिबिलिटी जरूर करिया करो। हुण ठीक है असी पहला बोलदे सीगे, जो साड़ी खिलाफत होने लग गई असी बोलना बंद करता, चंगे विषय पर भी बोलना बंद करता, ठीक है ना। हुण तां तुसी इन्ना डरा रहे हो, इन्ना प्रैशर बना रहे हो साडे ते कि असी मतलब कोई गल ही ना करिए, मतलब कोई जे हस खेड़ भी रहे हैं तो वह भी ना हसीए खेडिए, है ना, ये बहुत माड़ी गल है थोड़े वास्ते। मैं अपने मूहों तो नहीं कहता, पर मैं एक चंगा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही, मैं गलतियाँ होनगियाँ मेरे च कमियाँ होनगियाँ हज़ार होनगियाँ, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ठीक है ना, और इस चीज़ नूं मैं मानता हाँ, मैं फॉलो करदा, जदों साडे अंदर 100 कमियां ने असी मैं उन्हां नाल ही गल करन दी कोशिश करदा हमेशा, मैं एक चंगा इंसान बनन दी हमेशा ही कोशिश करदा रहा, चंगा गाउण दी कोशिश करदा रहा, पर उहदा तुसीं मुल नहीं पाउंदे, उहदा मुल नहीं पाउंदे, तुसीं 1 मिनट तो पहलां तुसीं इह डिसाइड कर लैंदे हो कि इहदे गाने हुण 4 फ्लॉप हो गए ने ते हुण इह कलाकार नहीं रहा। विचारधारा तो मेरी उही आ, मेरी विचारधारा हक की कमाई वाली ही आ, नशे गाने वाली ही आ, मैं मां गाना गाया, मैं परदेस गाना गाया, तुसी मेरे किते हुए चलो ठीक है मेरा एक कर्म आ, मैं अपने लिए करदा अपने परिवार लिए करदा,
पर तुम भी तो उस चीज़ में इंजॉय करते हो, तुम किमें भुल सकते हो सारिया चीज़ा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने गुरु पीर लई ना मेरी औकात आ ना मैं कह सकता, पर जे किसी लगता कि मैं गलत हाँ जिथे कहोगे अपनी हिक च गोली खाऊंगा कि तुम ये बहुत वड्डी इल्ज़ाम मेरे ते लाया, बहुत वड्डा इल्ज़ाम है ये, मैं इन बर्दाश्त नहीं करूँगा कभी भी। जे थोन लगता कि मैं गलत हाँ जिथे बुलाओगे उत्थे, क्योंकि एक गुरु नानक पातशाह दे नाल जुड़ी हुई चीज़ आ, नक् नाल कीरां कढूंगा दरबार साहब जाके, पर मैनू गलत साबित किया जाए पहला कि तू इत्थे गलत आ बई, तेरी आ इंटेंशन सी तू जान के किया, ठीक है ना। इन्ना जमीर नहीं हले मैं बेचिया अपना, हले इन्ना जमीर मेरा डिग्गया नहीं आ कि मैं अपने गुरु पीरां लई गलत शब्दावली यूज़ करूँगा। और मेरी उम्मीद है कि मैं सारी जिंदगी जिदा का हैगा उदा का ही रहूँगा, ठीक है ना। मैं अपने पातशाह का सत्कार करदा, इज्जत करदा, उन्हें दिलों प्यार भी करदा, ठीक है ना। और जिन्नी क मैनू समझ आ उन्नी क मैं अपने अगे अगली पीढ़ी को सिखाने की कोशिश कर रहा। सो इस करके हरेक नू जज करना बंद करो, तो खासकर चैनलों वाले तुसी ध्यान नाल रहा करो थोड़ा जिहा। मेरा वीर थानू पहला भी बहुत तुसी आर्टिस्टां दा नक्क च दम किया होया,